सूरज से भी कह दो के अपनी आग बुझा ले। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर ये लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन है, इनके बीच में क्या रिश्ता है और ये जो छोटा बच्चा है किसका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हो, ये है अरमान मलिक, राइट में है पायल मलिक और लेफ्ट में है कृतिका मलिक, और इस छोटे से बच्चे का नाम है चिरायु मलिक। अरमान का पूरा नाम संदीप है और ये हरियाणा से है। पायल का पूरा नाम पायल शर्मा है, यह दिल्ली से है। कृतिका का पूरा नाम कृतिका बसरा है, ये लोग इन्हें गोलू कहके बुलाते हैं और यह भी दिल्ली से है। अब सवाल उठता है कि कृतिका और पायल अरमान की कौन है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों अरमान की वाइफ है। अरमान ने दो शादियां की है और चिरायु जो है वो पायल और अरमान का बेटा है। क्या कर रहा है बाबा, मौत को गले लगाना चाहता है? जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगली पकड़कर भाग जाए। अरमान की पहली बीवी पायल है जिससे इनकी शादी 2011 में हुई, और कृतिका इनकी दूसरी बीवी है जिससे इनकी शादी 2018 में हुई थी, वो भी पायल की इजाजत से। अब बात करते हैं कृतिका और अरमान कैसे मिले और इनकी शादी कैसे हुई। दोस्तों कृतिका और पायल दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, तो पायल ने अपने बेटे चिरायु के बर्थडे पर कृतिका को इनवाइट किया था। फिर क्या था, जब अरमान ने कृतिका को देखा तो अरमान का दिल उन पर आ गया। फिर अरमान ने बताया कि इसके कुछ ही दिनों बाद हमने शादी कर ली। दुनिया तो मेरी तू है जग है, हंसी तेरी जग तो अलग है, मेरा दिल। पहले तो पायल को शादी से कोई तकलीफ नहीं थी, फिर जब पायल की फैमिली ने पायल को भड़का दिया और अरमान के खिलाफ केस करवा दिया, और पायल अपने बेटे चिराग को लेकर किसी राहुल के साथ रहने लग गई। इससे अपसेट होकर अरमान ने सुसाइड करने की कोशिश की। वाइफ पायल और उसके घर वालों ने मिलके मेरे ऊपर रेप केस लगा दिया है, एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें, निकलवा दो। बाद में फिर अरमान को समझा कर नीचे उतार लिया गया और इनके साथ कोई ऐसा समझौता हुआ जिससे ये तीनों वापस से तैयार हो गए एक साथ रहने को, और अब ये खुशी खुशी सब एक साथ रह रहे हैं। और अब कृतिका भी प्रेग्नेंट है और इनकी फैमिली में एक और नया मेहमान आने वाला है। दोस्तों ये थी अरमान और उनकी दो बीवियों के पीछे की कुछ कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इनके बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दोगे। धन्यवाद दोस्तों।